नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जोहर सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। लखनऊ का दिल माना जाने वाला इलाका हजरगंज के लिवाना होटल में सुबह सुबह आग लग गई। आग इतनी भीषण लगी कि करीब 4 घंटे से लगातार आग को बुझाने और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। फायर ब्रिगेड और SDRF की कई टीम मौके पर मौजूद है। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 18 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि करीब 30 कमरे वाले इस होटल में 18 कमरे भरे हुए थे। हादसे के वक्त करीब 35 से 40 लोग होटल में मौजूद थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी भीषण आग लगी तो लगी कैसे, और इतने बड़े होटल में क्या फायर अलार्म की कोई सुविधा नहीं थी? होटल में मौजूद लोगों की माने तो सुबह जब आग लगने के बाद उनकी आंख खुली तो उनके कमरे में धुआं भरा हुआ था। जब उन्होंने मदद के लिए खिड़की खोला तो होटल कर्मचारी नीचे खड़े तमाशा देख रहे थे। इसके बचाव के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उल्टा लोगों को खिड़की की पाइप से उतरकर जान बचाने की नसीहत दे रहे थे। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सिविल अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिले और साथ ही CM ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि होटल की इस लापरवाही पर क्या कार्रवाई होती है और कौन है इसका जिम्मेदार। अगली खबर चंदौली से है। क्या विपक्ष को जनता 30 सालों तक नहीं देगी मौका? जी हां, ये कहना है कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का। स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि विपक्ष सपने देखते रहे और 30 सालों तक उन्हें सत्ता में आने का कोई रास्ता नहीं मिलने वाला है। जनहित की सरकार जनता के भरोसे चल रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनती रहेगी। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह ने ये बयान तब दिया जब वो चंदौली दौरे में 2 दिन के लिए गए थे। आपको बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह वाराणसी मंडल के प्रभारी मंत्री हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और तमाम परियोजनाओं का हाल भी जाना। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र बलरामपुर पहुंचे। वहां उन्होंने देवी पाटन मंदिर में दर्शन और पूजन किया, साथ ही उन्होंने नवरात्रि मेले को लेकर मंदिर की सुरक्षा का जायजा लिया। उन्होंने शारदीय नवरात्रि में लगने वाले मेले की सुरक्षा को लेकर SSB और जिले के आला अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। चंदौली में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता को पैरवी करने के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसको लेकर सपा विधायक ने एतराज जताया है। साथ ही विधायक के नेतृत्व में सपाइयों ने थाना परिसर में पूरी रात धरना दिया। सपाइयों की मांग है कि थानाध्यक्ष को हटाया जाए। सपा विधायक ने आरोप लगाया है कि पुलिस सपाइयों को प्रताड़ित कर रही है, उन्हें डर है कि कहीं उनके कार्यकर्ता का एनकाउंटर ना करवा दिया जाए। सपाइयों को समझाने के लिए CO सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। अगली खबर औरैया से है। यहाँ पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि आए दिन पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। मामला अछलंदा थाना क्षेत्र के वंशी के दयारामपुरवा का है, जहाँ मामूली विवाद पर दबंगों ने पिता पुत्र को लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। पिटाई से पिता की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि बेटे को गंभीर हालत में सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कल शाम रात को 10:25 पे PRP को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सभा बंसी का पूर्वा दयाराम है, इसमें दो पक्षों में लाठी डंडों की मार हुई है। तत्काल PRP मौके पर पहुंची, वहां पे 4 लोग घायल थे जिन्हें तुरंत CHC अछंदा लेकर आया गया। जैसी हॉस्पिटल लाए तो एक सुरेश बाबू, इनको मृत घोषित कर दिया गया। राजकुमार, जिनके हेड इंजुरी थी, उनकी खून भी आ रहा था, उन्हें सैफई रेफर कर दिया है। शेष श्रवण कुमार, उनकी पत्नी रेखा, उनकी माताजी रेखा, ये तीनों की डॉक्टरी पुलिस ने करा ली है। खबर बिजनौर से है। थाना कोतवाली शहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने सूचना मिलते ही एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी दरोगा काफी समय से लोगों को गुमराह करके पुलिस में नौकरी लगाने के नाम पर उनसे लाखों रुपए की ठगी करके उनको ज्वाइनिंग लेटर देने का काम कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फर्जी दरोगा को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उसके पास से फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी बरामद किए हैं।
अगली खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर के जगपुरा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ हुई अभद्रता और गाली गलौज को लेकर एसएसपी श्लोक कुमार सिंह से मुलाकात की। पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी घर में अकेली रहती है और उसके पड़ोसी अक्सर उसकी पत्नी के साथ अभद्रता करते हैं और मना करने पर गाली गलौज करते हैं। वहीं शिकायत के बाद एसएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बुलंदशहर में चौकी इंचार्ज पर भाजपा कार्यकर्ता चेतन शर्मा की जमकर पिटाई करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता के भाई के साथ डीएम कॉलोनी रोड पर कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट कर दी थी। भाई की पिटाई की सूचना मिलने पर भाजपा कार्यकर्ता चेतन शर्मा को चौकी इंचार्ज द्वारा जमकर पीटने का आरोप लगाया गया है। जौनपुर में भारतीय जीवन बीमा निगम के शाखा शाहगंज परिसर में एलआईसी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। धरना में बैठे अभिकर्ता अपने बाहों में काला पट्टी और बिल्ला लगाए हुए थे। इस दौरान अभिकर्ताओं ने आईआरडीए व केंद्र सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभिकर्ताओं ने धरना के माध्यम से पॉलिसी धारकों का बोनस बढ़ाने, जीएसटी में छूट देने, लोन में ब्याज कम करने, अभिकर्ताओं को पेंशन और पीएफ का लाभ देने से लेकर मेडिकल सुविधा देने के साथ साथ अभिकर्ताओं का ग्रेजुएटी बढ़ाने सहित कई मांग किए हैं। आईआरडीए जो एलआईसी के लिए गठित हुई है, आईआरडीए और वित्त मंत्री भारत सरकार, इनसे ये मांग की गई है कि हमारे पॉलिसी धारकों के पॉलिसी पर बोनस की वृद्धि किया जाए, जीएसटी हटाया जाए, पॉलिसी होल्डर जब भी लोन लेता है वो जो लोन का ब्याज दर इनकी इतनी ऊंची है 10.5%, उसको कम किया जाए। इन सब मांगों के साथ साथ अभिकर्ताओं के हित के लिए उनके परिवार को भी सुरक्षा प्रदान किया जाए। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।